ये आ गया आपका कोर i5 की 9 जनरेशन, ये भी 180 डिग्री के साथ है विद 4GB ग्राफिक कार्ड। आज ऑफिस में काफी काम पेंडिंग था वो कर रहा हूँ, साथ में ये बिहारी बिरयानी है। कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ भाई मोइन भाई आए हैं, मोइन भाई ने लैपटॉप लिया था बेटे के लिए। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर आए हैं टेक वर्ल्ड में और ये आइए चंडीगढ़ के पास है। अमजद भाई कैमरे को देख के बिजी नंदा हो रहे हैं। तो जी भाई जान, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आपके पास हमने जो लैपटॉप लिया है वो आप जरा रिव्यू दें। अमजद वो निकालो जरा, आपके पास कौन कौन से लैपटॉप है? हमारे पास सारे वेरिएंट होते हैं, 8 जनरेशन से लेके 13 जनरेशन तक अवेलेबल है। सारी स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप होते हैं, सारे मॉडल्स के लैपटॉप होते हैं हमारे पास, एचपी के, डेल के, लेनोवो के, सारे जो हमने आपको दिया है वो भी 8 जनरेशन दिया है लैपटॉप हमें। और 2GB इसमें ग्राफिक कार्ड है और 8GB रैम है, 256GB SSD के साथ है, मेटल बोर्ड है और मैं भी आऊँ ना साथ। हाँ हाँ, 2GB ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम है, 256 SSD है, फिर ग्राफिक कार्ड का प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कोडिंग के लिए बेहतरीन लैपटॉप है। भाई को हमने लेकर दिया है मोहन भाई के बेटे के लिए। हाँ, तो ये इसके अंदर ग्राफिक AMD का राइजन, जी जी राइजन का वेगा 6 का ग्राफिक कार्ड, इसमें 2GB डेडिकेटेड है और इनके काम के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपिंग के काम के लिए अच्छा है, 8GB है, प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ग्राफिक के लिए बड़ा बेहतरीन है। आप भी आए और इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मजीद आप इनको लैपटॉप दिखाइए। ये वाले बहुत सारे लैपटॉप है, लेनोवो में भी है, एचपी में भी है, डेल में भी है। तो आपके पास सबसे अच्छा और सबसे एक तो बजट वाले बताइए, जो कि स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, जो यूनिवर्सिटी के नए नए बच्चों के लिए आपके पास कौन सा? यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए हम देते हैं इस तरह के मॉडल्स वगैरह देते हैं, हाई अच्छी और हाई स्पेसिफिकेशन वाले ये देते हैं हम, ताकि इनमें इनके काम अच्छे हो, जो काम करने में सारे काम इनमें होने। और इसमें से ब्रांड मैटर करता है, आपने कौन सा यूज करना है ब्रांड, ये देखें, ये GPU है और ये है लेनोवो ब्रांड यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे पास सारी वेरिएंट है, इसी में वेरिएंट में लेनोवो का कौन सा? अगर आप इसी में वेरिएंट में लेनोवो में लेंगे, इसी तरह राइजन के अंदर ये मॉडल है, राइजन के अंदर ये मॉडल है, राइजन 5 आ गया, ये सबसे इससे भी हाई आ गया, इसमें 8GB रैम, 256GB SSD, 2GB ग्राफिक कार्ड, टच स्क्रीन, बैकलाइट कीबोर्ड, क्या बात है, और ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री वाला है। और इसी में डेल भी जो है आपके पास, अब देखिए आपको डेल में मैं आपको दिखाता हूँ, इससे में और हाई एंड मॉडल है ना। हाँ, ये आ गया आपका कोर i5 की 9 जनरेशन, ये भी 180 डिग्री के साथ है विद 4GB ग्राफिक कार्ड, और इनकी माशाल्लाह प्राइस भी जो है बहुत ही मुनासिब है, मार्केट से आपको बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत अच्छे प्राइस में हमने जो लिया है ना भाई मोइन भाई के लिए, अभी भी मार्केट कंडीशन मिंट कंडीशन, साफ सुथरी कंडीशन मिलेगी आपको भाई के। हम मैंने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो के टेक्नो सिटी में आई चंडीगढ़ के पास, टेक्नो सिटी है तो भाई अपनी शॉप नंबर GT16 टेक वर्ल्ड कंप्यूटर आई चंडीगढ़ रोड टेक्नो सिटी मॉल ग्राउंड फ्लोर पे हमारी शॉप है, आप भी आइए विजिट कीजिए और लोगों को भी आप लाजमी करें, क्योंकि जो भाई के मैंने अभी लैपटॉप है, भाई का नंबर भी ले लिया, ये लैपटॉप का मैं बेस्ट प्राइस नंबर बोल दूं। हाँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 0348221380। तो भाई मोइन भाई हमें कुछ खिलाएंगे, कह रहे हैं कि कल क्या खिलाएंगे? निहारी भाई, निहारी भाई, ये ऑन रिकॉर्ड हो रही है, ये ऑन फोन रिकॉर्ड हो रही है भाई, हमें खिलाएंगे। इधर से चल के हम निकलते हैं। तो अब भाई बड़ा खुश हो गए हैं, भाई ने बैग भी लिया, मुझे बैग दिखाओ, मुझे लग रहा है कोई स्कूल में बच्चा जा रहा है, मैट्रिक में जा रहा है मुझे। तो ठीक है फिर, इंशाल्लाह कल ऑफिस में मिलते हैं। तो बस अब तक के लेते हैं, हम तो हमारा व्लॉग हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। करो ऑयल चेंज, क्या नाम है भाई आपका? अगनाल। ये जरा मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ कि अभी तो मैंने ये स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं, तो इस वजह से जरा मैं एक्टिव हो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जैसे असर खत्म हो जाता है फिर जरा तबीयत खराब हो जाती है। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। ये जुशांदा भी साथ में पी रहा हूँ, यानी हर्बल के साथ साथ मेडिसिन वगैरह भी चीजें ले रहा हूँ। तो
यही मैं कहना चाहूंगा कि काइंडली आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि यानी कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक मेरी टूटी है, तो वो रात में ही हुआ है कि तक मुझे ऐसा लग रहा है जरा बुराई जा रही है। खैर अल्लाह खैर करे, आजमाइशें और इस तरह के नुकसान होते रहते हैं, अल्लाह सबको सब्र दे, तो मुझे भी सब्र दे और मुझे शफा दे। तो आज मेरा ये दूसरा था कि मैं करवा कर आना था, ये देखो ये मैं साथ ही रख रहा हूँ, शायद अब कल लास्ट की जरूरत पड़े, पर डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं रिकवर कर जाता तो मुझे नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहा मैं मेडिसिन ले रहा हूँ अपनी, नेजल स्प्रे भी है, तो जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ तो फिर मैं ढेर सारे व्लॉग शुरू करूंगा, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ, मेरे टांग में दर्द तो थी, जो दूसरा बंदा लगा है ना मेरे साथ वो गिरा भी है, पर वो ठीक ही है, पर शुक्र है कि मेरे जो लगी है, पर मेरे बूट ये खराब हो गए हैं जो मैंने ब्लैक लिए थे थोड़े से, पर वो पता भी नहीं चल रहा, और बाइक जरा लेफ्ट साइड से ना वो ब्रेक वगैरह वो टूट गई है, तो अभी मैंने देनी है वर्कशॉप पे, तो इंशाल्लाह बस दुआ में याद रखें। बंदे के बाद आजमाइशों वाले दिन जा रहे थे, तो ये 10 दिन मेरे लिए आजमाइशों वाले थे, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये रिकवर कर लूँ। तो बस हमारे साथ बने रहिए, दुआ में याद रखें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।